Assalamu alaikum everyone this is me Dananir Mubeen and you're watching something hot don't forget to hit the bell icon and subscribe Assalamu alaikum my name is Hassan Chaudhry you're tuned into something hot this is hard to hot social media ki duniya ek aisi duniya hai ki aksar aur beshtar jo hamare young Uh, नौजवान लड़के और लड़कियाँ इस्तेमाल करते हैं तो हम इतराज़ ही करते हैं अमूमन हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो इज़ एक्न टू वेस्ट ऑफ टाइम बट ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया के ही थ्रू बहुत सारे लोगों ने uh, बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं और देव गॉन ऑन टू अचीव मैनी इम्पोर्टेंट माइल मेरे साथ जो आज uh, मेरी गेस्ट हैं शी इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस नोयत से किया कि उनकी जिंदगी कम्प्लीटली बदल गई तो आज हम उनसे इस, इस मौजू के ऊपर डिटेल में बात करेंगे उनके बिग ब्रेक के बारे में बात करेंगे जो कि वाकई उनकी पहली परफॉर्मेंस उनके उनका डेब्यू उनका पहला अपेयरेंस स्क्रीन के ऊपर इतने ज़बरदस्त तरीके से रेजोनेट किया है ऑडियंसिस के साथ कि

From from the days, uh, to the f the days leading to to your first yeah, yeah, starting from the trailer that come out, yeah, my character teaser. teaser teaser आया था उसी दिन से आपको मुझे और वो कहती थी दुश्मन नजर आ रहा है like, <laughs> ना कुछ लाइन टीजर में से इतनी एकदम से वो उन्होंने कैच कर ली कनेक्ट करना तो शुरू कर दिया था Obviously uh, आपके डेब्यू परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे, but I want to go into the past a little bit. Yeah. You were born in Peshawar. Yes, I was. So you're a, mashallah, all in all, Pathan kid. Mm -hmm. Your father is in the army. Yes. और uh, आपकी वालदा भी वो आप वो दोनों पठान आपके parents yeah. हैं. और आप, because your father is in the army, you had to really travel a lot. A lot. <laughs> और अलॉट का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में तो रही ही हैं पाकिस्तान से बाहर भी बहुत रही बिल्कुल तो जैसे ऑफ कैमरा आप मुझे बता रही थी आप यूके भी रह चुकी हैं जी आप अमेरिका में भी रह चुकी हैं और पाकिस्तान में तो अनगिनत शहरों में आपका तबादला और ये होता रहा मुझे ये बताया हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर एन नामी के डार ये तो बड़ा मुश्किल काम है ये एक चीज है फौज के बारे में जो मैं कहती हूँ कि काश मैं चेंज कर सकती क्योंकि आप सोचे हर दो तीन साल के बाद पूरे अपनी सारा घर उठा के अपने स्कूल लाइफ अपनी कॉलेज लाइफ अपने फ्रेंड्स सब कुछ उठा के आप किसी ऐसे शहर में चले जाते हो जहाँ जो आपने कभी मतलब आप कभी गए भी नहीं हो जैसे हमारी पोस्टिंग सियालकोट हुई थी हम सियालकोट में वी लाइक हम कभी वी नेवर इवन पास थ्रू दैट सिटी तो It, it, बहुत है मुश्किल लेकिन थोड़ा टाइम बाद करके कर करके करके आप में ना एक बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो जाती है अडेप्ट करने की तो वो आई थिंक दिस इज एक स्टार क्वालिटी मैंने इस चीज से ये गार्डन किया है बल्कि आप मुल्क भी हॉप रही थी

तो ये डिसीजन लेना कि प्राइवेट से अब मैं पब्लिक कर रही हूँ ये कैसे लिया डिसीजन आई रिमेंबर वी वर पोस्टेड इन सियालकोट अबा की पोस्टिंग वहाँ हुई हुई थी एंड मतलब सियालकोट में इतना कुछ खास करने को नहीं था एंड आई एम द दॉर्ट ऑफ पर्सन मेरा तो ये दिल होता है कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही हूँ तो आई है लॉट ऑफ पेंट अप एनर्जी एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर आई वॉज स्टडिंग कोर्स एंड आई हैड वन फ्रेंड पे एंड आई लाइक अच्छा और क्या करना चाहिए और क्या एंड देन माई खालाइज मी कि डोंट डोंट यू यू स्टार्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट कॉन्टेंट क्रिएशन ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब तो मैंने सियालकोट में अपना इंस्टाग्राम आई थिंक

एंड नथिंग मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट कि मतलब आप कुछ डालने से पहले सोचते हो ना कि अच्छा इसका ये ये दिस इज द रीजन वाई दिस पिक्चर कोई भी वीडियो ये एक वाद वीडियो थी जो मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि फनी है तुम डाल तो दो मैंने कहा इसकी क्या तुख बनती है मेरी प्रोफाइल पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्यों डालू लाइक बस सिर्फ डाल दो डाल दो हमारे कहने पर डाल दो It it wasn't immediately that you put it up. और ये इसकी कोई कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है मेरे ख्याल में बीच में आपके प्राइवेट अकाउंट पे लगी फिर किसी ने उसको अपने पब्लिक अकाउंट पे शेयर कर दिया और फिर

Wrong on my part to assume yeah. that that one post changed your life forever. Hmm, interesting question. Um, it did change my life. Uh, it added a lot of beautiful things in my life, or it gave a direction to my life which I never thought I would take. Um, I've done a drama serial for the first time. मैं एक्टिंग करूँगी मतलब में भी ये चीज नहीं थी ना मेरी फैमिली की जीना सॉरी माई निक ने मिस जीना कि जीना कभी एक्टिंग करेगी अच्छा थैंक यू आपने बता दिया <laughs> <laughs> तो उनको कभी नहीं सोचा था कि जीना कभी एक्टिंग करेगी लेकिन बस मतलब अल्लाह ने आपकी नसीब में जो चीजें लिखी होती है ना बस मैं समझती हूँ कि अल्लाह कुछ बहाने बना देता है आपको वहां पहुंचाने के लिए hmm. एंड काफी कुछ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड व्हिच आई नेवर थॉट वुड सो या सो वो एक पोस्ट आपने कर दिया और एक सेंसेशन भी बन गई आप और मुझे याद है मैंने आई मैनेट टू टेल यू दिस जब इस तरह का होता है ना तो लाइक मोस्ट पीपल आई एम ऑल्सो लाइक स्नूटी यार क्या ये बट इन योर केस आई आई एक्चुअली ट्वीटेड एंड एंड सेड यू नो ऑल ऑल द फेम यूर के साथ एवर यूर गेटिंग आउट आफ्टर दैट पोस्ट इट्स वेरी वेल डिजर्व बिकॉज इट इज जेनुअली अ वेरी एंटरटेनिंग पोस्ट वो वाकई में ऐसा एक पोस्ट था मजे का था और उसकी एक ऐसी वाइब थी

बिल्कुल तो इट इट वाज नाइस मतलब जि, जितने टाइम में वो वीडियो थी आउट देयर आई थिंक पीपल हैड अ लॉट ऑफ फन मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा आप किसकी रेंडिशन से सरप्राइज हुए हैं कि यार वो इसने भी कर लिया रणवीर ये हमारा गाजर का हलवा है ये हम है आप भाई हो ये मैंने जब वो हलवा ये मैं हूं ये मेरा तो गाजर का हलवा और ये हमारी पार्टी हो रही है आई वाज लाइक जब मैंने देखी तो आई थिंक मैं

of February, if not wrong. Oh, Oh it's 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 the same. this this year. year. my God. Feels like a lifetime, doesn't it? So, Yeah. February में इस साल आपने ये post किया है और December में अभी हम बैठे हुए हैं मेरी math थोड़ी खराब ग्यारह महीने कहने चले टलेवन मंथ पंद्रह लाख से आपके followers डेढ़

मतलब खुद भी अगर किसी अपने स्टार के पास मिलने के लिए जाऊँ तो, तो हेजिटेट करती हूँ कि क्या पता कैसा रिस्पॉन्ड करे क्योंकि तो अगर आ रहा है तो इतनी हिम्मत से वो आते हैं आपके पास वो कहते हैं ये वीडियो इतने प्यार से कहते हैं तो वो

इसको भूल क्या जाएंगे लोग एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट दाना नी जो हमें नज़र आई है कम्पलीटली डिफरेंट जीना नजर आई है सिफान की इस किस्त के बाद तो वो जो आपके ऊपर एक जो पहाड़ी गर्ल का एक वो है एक ठप्पा मुझे तो लगता है वो कम्प्लीटली क्योंकि माशाल्लाह आपके जो मैंने परफॉर्मेंस देखी पहली एपिसोड में यू आर आउट फॉर यू टू से मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था और दूर दूर तक ना कोई लेना देना था ना कोई ख्याल था ये कैसे हुआ फिर, जीना? गुड uh, क्वेश्चन <laughs> मतलब ऐसी चीज़ थी जो पहले तो मैंने आपको जैसे बताया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगी लेकिन जब मैंने की तो मैंने उसको इतना एंजॉय किया और आई थिंक मैं क्रेडिट दूंगी अपने एनवायरनमेंट को द डरेक्टर द कास्ट द क्रू जितना कम्फर्टेबल में थी सबके साथ तो आई थिंक दैट जज ब्रॉट आउट द बेस्ट इन मी मतलब मेरा परफॉर्म करने का दिल चाहता था एंड आई वॉन्टेड टू बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड डू बेटर स्पेशली बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद सम बिगेस्ट नेर इंडस्ट्री राइट लाइक आई वॉज वर्किंग विद सजल इन युमना एंड रमशा साराबरा दीज आर दिगेस्ट नेर इंडस्ट्री फॉर मी टू बी डूइंग माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विद दर मैंने कहा कि यार ये तो आई मीन इट्स एन ऑनर लेकिन आई हैव टू परफॉर्म वेल राइट तो बस वो एक मोटिवेशन एंड सब इतने सपोर्टिव होते थे uh, मैं सबसे गाइडेंस लेती थी तो वो एक माहौल बना फिर आई थिंक एक अंदर से इंसान का खुद भी एक कॉलिंग होती है एक नेचुरल अंदर से भी आती है आपकी एंड आई वु गिवे लिटल बेट ऑफ क्रेडिट टू माई मॉम इज़ वेल मेरी अम्मा पूरी चीज़ें मतलब वो उनको आप उनसे आप जो वो जो नूर जहान की एक्टिंग करती हैं आप सोचें उनकी तरह ड्रेसअप करके एंड एवरीथिंग वो जूड़ा साड़ी तो उनसे भी वो जीन्स में भी ना काफ़ी मैंने उनसे लिया है तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग तो हो गया मुझे ये बताएं कि आपको कास्ट किया किसने इस ड्रामे के लिए हाउ डिड इट कम टू यू सो आई वॉज कॉल्ड मुझे मेरे अब्बा को कॉल आई थी आई uh, एस से अच्छा। अब्बा ऑफकोर्स आर्मी में है हाँ।

ये, की थी ये सना, गया थी। मार्च में उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि मार्च से वो लोग रेकी कर रहे थे अच्छा। तो वो निकले हुए थे पीएमए भी विजिट कर रहे थे नवी सिंह तो मुझे सना ने कहा कि मैंने वहाँ वीडियो देखी और मैंने सबको कहा मैंने कहा सिद्धरा के रोल के लिए तो मुझे दाना नहीं चाहिए

फिर उनको अच्छा लग गया होगा तो अब्बा का क्या रिएक्शन था और अम्मा का आ, वो वो थे आ, uh, क्योंकि उनके लिए एक्टिंग वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी अम्मा अब्बा के लिए hmm. तो जब उनको ये पहली दफ़ा पता चला तो उन्होंने काफ़ी उन्होंने मतलब थोड़ा रिसर्च की प्रोजेक्ट के बारे में क्या है स्टोरी लाइन क्या है स्क्रिप्ट क्या है इज अ प्रोजेक्ट दैट आई शुड बी डूइंग

तब प्लान नहीं था और दूसरा बिकॉज ये आर्मी का प्रोजेक्ट था तो एक अब्बा को सेफ्टी थी कि ठीक है मतलब प्रोटेक्टेड uh, एनवायरनमेंट hmm. है अब्बा इज़ वेरी वॉज वेरी uh, hmm. so एक बेटी का बाप होना तो वो एक अफकोर्स हीज़ वेरी प्रोटेक्टिव इन देंस लेकिन उनकी सारी वो जो क्वेश्चन थे दे वर ऑल आंसर्ड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी मतलब एक हमारा जो सेट पे इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल फैमिली की तरह था नदीम अंकल वॉज लिटरली लाइक अ डैड टू मी और एवरीबडी एल्स वो सब मेरी बड़ी बहनों की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया और बहुत ख्याल रखा तो आई थिंक दैट वॉज इन एडेड बोनस दैट वॉज अ प्लस पॉइंट डेफिनेटली ऑडिशन हुआ और ऑडिशन आपने वहीं पे दिया आईएसपीआर को जो भी आपने दिया ऑडिशन किसने लिया ऑडिशन भी आईएसपीआर कि उन्होंने उन्होंने ऑफिशियल ने लिया और आपको सीन सिदरा के आपने पढ़े सिदरा के दो सीन्स थे दो सीन्स थे दो सीन्स थे एक सीन था um जब मैं अपना कमरा डेकोरेट कर रही होती हूँ ये अभी अभी आगे अभी आएगा आ, आएगा जब मैं अपना कमरा डेकोरेट कर रही होती हूँ और एक और भी सीन था वो भी, भी आगे देखेंगे आई डोंट टेल डोंग अभी बट वो मैंने एक्ट आउट किया और वेरिएशन uh, थी दो, दोनों um, hmm. uh, में ना डायलॉग्स में uh, एक कोई गुस्से वाला था थोड़ा सा लाइन एक रोने धोने वाला था थोड़ा सा तो उनको चाहिए था वो देखना चाह रही थी किन्व द वेरिएशन तो मैंने वो ऑडिशन दिया तो आई थिंक उनको पसंद आ गया

ये जो पंजाबी एक्सेंट था अच्छा मैंने आ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैं जब पहली दफ़ा नदीम अंकल से मिली दैट वाज द नाइट बिफोर मेरा पहला जो सीन था मैं उनसे मिली मैं उनके पास गई उन्होंने मुझे एक, एक डायलॉग दिया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये तीन वेरिएशन में करके दो उन्होंने मुझे तीन चार दफ़ा वो डायलॉग बुलवाया और उन्होंने मुझे कहा अच्छा अब थोड़ी सी ज़्यादा करो एक्सेंट अभी थोड़ा सा कम करो अब दरमाना रखो अब बिल्कुल कम कर दो उन्होंने फिर देख के उन्होंने मुझे कहा ये जो आपने दूसरा वाला किया ना जो दरमियाना वाला है कहा, के भाई आप पंजाबी पिक करें, तो आपने कहा सुना हुआ था कहीं पे किसी को बात करते हुए ऐसे सुना था मतलब ड्रामाज में भी सुना हुआ है देखा हुआ है डायलैक्ट इस तरह बोलते हुए पंजाबी पंजाबी थोड़े से ना ऐसे तो कुछ कुछ मुझे ऐसे लगता है इसमें काफ़ी नेचुरली भी हुआ है मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं इसको uh, मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन आई थिंक बस वो naturally अंदर से आया okay, बस आ आ गया। आपने मैं इसलिए कह रहा क्योंकि इस में भी वो वो आपने एक जगह ना जैसे <laughs> तो वो being a Punjabi, मैं बड़ा इस बात को देखता हूँ पंजाबी एक्सेंट है तो गलत नहीं बोलना चाहिए <laughs> वेल well डन ये जो आपका कैरेक्टर आपने अब आप, जो हमें नजर आ रहा है इसमें कितना आपने अपना इनपुट दिया है ये ऐसे ही लिखा हुआ ऐसे ही था ये जो मस्ती मजाक हंसी मजाक ये कर रही है फूके मार रही है ये अपनी नजर <laughs> <था>। <laughs> आप सोचे वो सीन ओह दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीन्स Um, वो डब्बा आपको पता है मेरे पास अभी भी पड़ा अच्छा, हुआ है, है वो वाला और um, uh, <laughs> <laughs> भी वैसे ही हैं उतार <laughs> रही है हर चीज पे फूक मार रही <laughs> हाँ. है ऑब्वियसली ये लिखा हुआ होगा बट आपने अपनी क्रिएटिविटी कितनी लैंड किया तो सबसे पहली बात आई थिंक बहुत मतलब बहुत बड़ा शंक इसके क्रेडिट को जाता है राइटर को मैं अहमद को उन्होंने इतनी खूबसूरत लाइंस लिखी हैं सिद्रा की इतनी अच्छी कॉमेडी लिखी है उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल लाइंस दूसरा जो मेरा टीजर था उसमें जो आखिरी वाला पार्ट था जिसमें मुझसे सजल पूछती हैं कि दुश्मन नज़र आ रहा है और मैं कहती हुँ. थोड़ा थोड़ा आप सोचिए वो बिल्कुल इम्प्रोव था मतलब वो प्लैंड अच्छा. नहीं था वो स्क्रिप्टेड नहीं था क्योंकि वो सांप वाला जो सीक्वेंस है ना वो उसका शुरू है तो मैं और सज्जल हम देख रहे हैं ट्राइंग टू तो फाइंड दुश्मन और वो मुझसे पूछती है तो नदीम अंकल ने मुझे कहा था कि इस पार्ट में ना थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन करो ताकि तुम्हारी बात करते करते नज़र सांप पे पड़े और फिर तुम चीखे मार के भागो तो मुझे कुछ खुद इम्प्रोव करना पड़ा

तो तुम भी कोई इबादत वगैरह कर सिद्रा, ओ सिद्रा। so funny, बहुत मजे का है और आई थिंक बड़ी कास और बड़ा ड्रामा एंड यू नो वो सब कुछ तो ऑब्वियसली है बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि लोगों के साथ ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कनेक्ट करते हैं और वो आपको पहले एपिसोड के बाद से फीडबैक से अंदाजा और टीजर के बाद से अंदाजा आना शुरू हो गया होगा एंड विच इज वाई At least I am very confident कि आपकी वो जो एक पार्टी हो रही है कि वो जो जो एक 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 था एक इतनी गई थी वो कम्प्लीटली अब ओवर शेडो कर जाएगी सिद्रा सैदा सिद्रा सैदा सिद्रा बतूल सैदा सिदरा बतूल हाँ। सेट के ऊपर माहौल कैसा था इतने बड़े बड़े भाई स्टार लेफ्ट राइट सेंटर आप सोचे जाने से पहले इंसान यह सुनता है तो कहता है कि पता नहीं क्या होगा और ड्रामा और जलसी और ये और वो और अपना ये रूम अलग और अपना ये टाइम और कोई बात ना करे मतलब मैं तो हैरान हो गई आप सोचें हसन भाई मैं सेट पे गई तो मैंने कहा ये ये एस, ये ये है मीडिया बस ये ये शोबिस का जो इतना लोगों ने वो नेगेटिव एक और क्रिएट किया हुआ है मतलब मैं जब सजल यमुना सायरा कुबरा रमशा के साथ बैठती थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं अपनी बहनों से फ्रेंड से बात कर रही हूँ शुरू में ऑफकोर्स सबको टाइम लगा टाइम भी नहीं लगा ना मजे की बात यह कि हम लोगों ने इंस्टेंटली कनेक्ट किया आई एस एस बी में जब हमारा गुजरा वाला में जब हम सबका पहला पहला सीन्स से इकट्ठे हम लोगों ने इतना अच्छे से कनेक्ट किया हमने मतलब we started having fun on set और हमने अपने लिए ही टाइम अच्छा वहां पे किया क्योंकि ए -में, में हमने दो महीने गुजारने थे आप सोचें दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम और एबटाबाद जो कराची से इतना दूर आप सोचें आब्टाबाद से दो घंटे की ड्राइव इस्लामाबाद इन इस्लामाबाद से दो घंटे की फ्लाइट कराची. कराची तो बहुत घर से बहुत दूर और हम ही थे आपस में एक दूसरे को कंपनी देने के लिए तो हमने सेट पे मेकअप के साथ भी हम मिलके हम लोग डांस भी करते थे हम गाने गाते थे हम बाहर से ऑर्डर करके खाना छोटी सी पिकनिक्स भी करते थे बहुत मजा आया मुझे ये भी पता चला सबसे ज्यादा आपने की हैं सेट के ऊपर आपके कुछ को स्टार से मुझे पता चला है कि ये जो जीना है ना इसने बहुत जीना मैं ये तो नहीं कहूंगा जीना हराम किया लोगों का बट अपेरेंटली यू आर वेरी लाइक नॉटी और आपने काफी उधर छारारतें की हैं और... कुछ तो करना था <laughs> सबसे ज्यादा आपकी दोस्ती किससे हुई वहाँ पे oh, मैंने सजल को बहुत तंग किया मतलब मेरा हाँ, आप बताना शुरू करें कि किसको तंग किया आपने <laughs> सबसे ज्यादा यानी मतलब कि मतलब आपने सजल को तंग मतलब किया मतलब मेरी और सजल की जोड़ी ऐसे है जैसे टॉम एंड जेरी मैं उनको तंग करती थी और वो मुझे वापस तंग करती थी और ये साइकिल चलता था पूरा दिन वो मुझे देखती थी मैं उनको देखती थी और हाँ दोनों हंसना शुरू हो जाते थे हाँ हमारे से सीरियस बात नहीं होती थी पूरा दिन सेट पे हम एक दूसरे को चुनटियाँ काट रहे अब सोचे एक दफ़ा तो ऐसे हुआ नदीम भाई ने कहा एक्शन और हम लोगों ने दरवाजा खोल के हम सब ने जाना था और मैं और सजल दरवाजे के पीछे एक दूसरे को पकड़ के तंग कर रहे हैं और वो मेरे मतलब कर रही है तंग कर रही है मुझे ऐसी गुदगुदी कर रही है मैं उसकी जैकेट की जिप ऊपर नीचे कर रही हूँ और एकदम से एक्शन हुआ और हम सीधे अगर हमने सीन किया तो मतलब ऐसे होता था और सीन्स के पीछे सारे आगे खड़े हुए और मैं और सजल पीछे लड़ रहे हैं और जो ही कैमरे में मुँह आता था हम सीरियस हो गए जो ही कोई सामने आता था एकदम से फिर से लड़ना शुरू हो गए तो मतलब ट्वेंटी फोर सेवन एंटरटेनमेंट होती थी सज्जल को आपने सबसे ज्यादा तंग किया दूसरे नंबर पे आपने किसको तंग किया सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे मुझे लगता है मैंने सज्जल को तंग करने में इतना टाइम लगा दिया कि वो और किसी को तंग करना बचा ही नहीं लेकिन मैंने वैसे सबको अपने इंडिविजुअल सब जगह पे हाँ सबको सब पूरा टाइम दे दे के आपने तंग किया ज्यादा ज्यादा टाइम मैंने दिया सज्जल को तंग करने में ज़्यादा फोकस लेकिन सबको किया।, सब सब किया।, किया जस्टिस सबके साथ, सब साथ।, सब साथ।, सब साथ।, सब साथ <laughs> यमुना का ऐसा सीन है कि मैं और यमुना सेट पे एक गेम खेलना शुरू हो गई यमुना खेलती थी मैंने देखा मैंने उनकी देखा देखी गेम खेलना शुरू कर दी अब वो गेम ऐसी है कि उसमें ना आपको कोई क्लूज ढूंढने पड़ते हैं अब सोचे अब आजकल भी चार बजे सुबह के मैं स्क्रीन लेकर यमुना को भेजती हूँ यमुना मुझे ये ढूंढ दें इसमें से और यमुना का दो सेकेंड में रिप्लाई आ जाता है कि ये यहाँ पे है तो एक तो यमुना के साथ बहुत मतलब वो मुझे बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह उनसे फीलिंग आती है वो मुझे बिल्कुल छोटी बहन बच्चों की तरह वो मेरे से प्यार करती है और सजल से मेरी बहुत बात होती रहती है हम वो आज आजकल काफ़ी बिजी हैं लेकिन मैंने उनके साथ प्लान भी किया हमने मिलना भी था और रमशा के साथ रमशा को मैंने मैगी बना के देनी थी मैंने सेट पे एक दफ़ा मैगी बनाई और रमशा को बहुत पसंद आई तो उसने कहा कि जब हम कराची जाएंगे तो मेरे लिए मैगी बनाना और कुबरा के साथ कुबरा के साथ तो मेरा अपना बहुत मतलब हमारा बिल्कुल फ्रेंड्स बहुत चिलिंग है मेरी और कुबरा की सायरा के साथ बहुत सा, मुझे लगता है मेरी सायरा से ज़्यादा नूरे के साथ है अच्छा मुझे उस दिन नूरे बाबा का मैसेज वॉइस नोट आया कि हाय जीना आई सॉ योर टीजर एंड आई रियली लाइक व्हाट यू डिड एंड उसने मुझे कहा कि द सीन दैट यू डिड विद द स्नेक वर यू रियली स्केयर्ड बिकॉज इफ आई वाज देयर आई वुडंट हैव बीन स्केयर्ड तो मतलब नूरे बाबा के साथ मेरी हमने वो भी प्लान किया हुआ था स्पा डे भी प्लान किया हुआ था कि हम इकट्ठे जाएंगे विल गेट आवर नेल्स डन तो नूरे बाबा के साथ बहुत अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये हंसी मजाक मस्ती सब चल रही थी और आपके साथ जो सारे तो सारे एक्टर्स बड़े बड़े पाकिस्तान के कहीं किसी पे प्रेशर वेशर भी आपने फील किया नहीं, आपने प्रेशर को हवा में उड़ा दिया प्रेशर फील मुझे होने नहीं दिया किसी ने अच्छा क्योंकि एक आपका होता है ना कम्पेटेटिव टॉक्सिक वाइब होती है सेट पे कि मैं बेहतर करूँगी नहीं मैं बेहतर करूँगी ऐसा था ही नहीं और ये आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है निधिम अंकल को भी कि उन्होंने इतना लाइट रखा सेट को सबको इतना इंडिविजुअली इजी रखा स्पेशली एक्टिंग में कि सब अपने कैरेक्टर में इतना खुश थे कि किसी को ये नहीं हुआ कि नहीं मैंने इससे बेहतर करना है सबका कैरेक्टर इतना डिफरेंट है ना हर किसी की अपनी स्टोरी है जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना है तो किसी का ध्यान इस तरफ गया नहीं कि नहीं ये बेहतर करिए इससे मैं ज़्यादा बेहतर करूँगी तो सब ने, मैं उस दिन भी कह रहा था किस्त हुई ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई भी नहीं है, अभी तो, पार्टी शुरू होनी है अभी तो जब ये आप आगे आगे देखते जाएं क्या होता है तो, तो मुझे में शुरू दे हाँ, तो मुझे बताए ना व्हाट ऑल टू एक्सपेक्ट पहले एपिसोड में ही आपने आके तो इतना जबरदस्त काम करके लोगों के दिल जीत किए तो अब आगे चलते हुए व्हाट ऑल कैन वी एक्सपेक्ट स्टोरी बहुत इंटेंस होने वाली है क्योंकि इंटेंस एज इन मतलब आगे जाके एपिसोड्स एक्शन पैक्ड है अच्छा प्रॉपर एक्शन है एपिसोड्स में कॉमेडी भी है और मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस है एक्शन और

तो कोई है, है character arc बस उसने कॉमेडी करनी है या शुगल मेला करना है और हसी पी एम ए वाला जो आम, स्टोरी है ना सिदरा की वो ये है कि जब पी एम ए में आने से पहले ना सिदरा को लगता है कि दुनिया बस खेल है एक और दुनिया और पूरी हर चीज सिदरा के बारे में और सिद्रा गलत भी करे तो ठीक है और अगर उसको कोई गलत कहे तो वो गलत है और वो सही है लेकिन पीएमएम में ना वो काफी रहती है उसका एसेंस सिद्रा का रहता है सिद्रा विल ऑलवेज बी लाइवली शी विल ऑलवेज बी चेयरफुल उसकी एनर्जी नहीं जाती लेकिन वो थोड़ी सी सीधी हो जाती है मतलब उसको पीएमएम ना थोड़ा सीधी होगी सीधी होगी <laughs> हो बहुत सीधी नहीं सिद्रा अपना एलिमेंट नहीं लूज करेगी सिद्रा सिद्रा रहेगी लेकिन जरा थोड़ी सी ट्रिम पीएमएस को करेगा ट्रिप तो तो बड़े-बड़ों को सीधा कर देता है सिद्रा, तो सिद्रा तो को तो <laughs> और जैसे करेगा ना मजा सिर्फ उस चीज का है जैसे सीधी होगी ना सिद्रा वो देखने में बड़ा मजा आएगा दिस इज सच अ माशाल्लाह फील गुड एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी आई सपोज़ के um जो भी यंग लड़कियां भी बच्चियां भी जो देखेंगी आप सबके किरदारों को आई एम श्योर कि उनके दिलों में भी ये ख्वाहिश पैदा होगी कि हम भी आर्मी में जाएं और बिकॉज इट्स ऑब्वियसली अभी तो तीन किस्तें हुई हैं बट तीन किस्तों से अंदाजा हो रहा है जिस तरह से ट्रीट किया गया है इस स्टोरी को किरदारों को जिस हिसाब से पोट्रे किया गया इट्स वेरी वेल डन एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सो इनशाला बेस्ट फॉर सिंफे आहन और वो Thank तो हम you. देखते ही रहेंगे और इन्जॉय भी करते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें हंसाती भी रहेंगी और एंटरटेन भी करते inshallah. रहेंगे सिंफे आहन से हट कर अब आपने एक्टिंग कर तो ली और वो जैसे लगता है मुंह को खून लग गया और चस्का एक लग गया

तो ये क्या अभी मतलब इतनी कम उम्र में ये जो माशाल्लाह आपने माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं कैसा रहता है मतलब कि जितना, करने का ने जितना नवाजा है अल्हम्दलिल्ला, अल्हम्दलिल्ला। लेकिन अभी है कि और बहुत कुछ करना है बहुत कुछ करना है और अभी अल्लाह बेहतर करे आगे देखते हैं क्या होता है तो क्या फिर सोचा आपने माशाल्लाह डिग्री आप digital film and digital film arts. and digital arts arts film to what's digital arts A this um degree is a blend of many various subjects so we're studying portraits we're studying Achha. editing for film we're studying drawing a moving image culture imagining reality is hum, we're doing multiple things nice. abi recently i'll show you after we're done with this interview i shot a short film तो सर ने हमें एक एक दिया था कि आपने चार कट्स में एक 60 की की शॉर्ट फिल्म शू, शूट शूट करनी है जिसका कोई स्टोरी हो स्टार्ट एंड एंडिंग वो वो भी लाइक थिंग डायरेक्टेड इट 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 प्रोड्यूस्ड एक्टेड इन वेल सारे प्रॉप्स अरेंज करना तो आई मीन इट वॉज इल वो है असाइनमेंट्स हैं hmm. so it's, it's very nice i mean i love studying what i'm doing and so then of course baad i'm sorry to cut you baad, inshallah once i'm done with my degree i have a very solid plan of doing css as well Achha. inshallah so um, ab jo ne, uh, inshallah. Abhi jo degree choose kia i suppose abne

I'm starting my own business soon, inshallah, Achha, as well. Mashallah. Yes, I have my brand coming on the way. This is the first time I'm talking about Achha, it Do you want to give out more information about it? Uh, so the brand is a uh, skin and hair care brand, Achha. and then it will expand on to become a makeup brand and like nice, a general brand as well, inshallah. So are you partnering with someone? It's my own sole brand. I've been working on it. You think I'm working on this brand for the last two years? Two years product testing, um, product पैकेजिंग लेबलिंग इसका इंफॉर्मेशन लिखना <coughs> इसके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करवाना इसके इंग्रेडिएंट्स को एक्सपोर्ट करवाना पिछले दो साल से आई हैव बीन एट इट अभी भी माय फोन हैज़ बीन बजिंग सुबह से क्योंकि आज एक सुबह मीटिंग थी और वो मेरे से मिस हो गई एंड अब आई वॉज वेरी एंग्री एट मी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि हम ब्रांड को रिलीज करने के बिल्कुल फाइनल स्टेज hmm. में है तो दैट इज़ ऑन इट्स वे एज वेल तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया था कि मैंने अपना मेकअप

ये uh, ये मेरा का हमेशा से इरादा था कि जो भी कर रही ज़िंदगी में I want to have a brand. तो 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 बड़ा एक चीज़ है obviously, uh, मेरी तो जीरो है इस मामले में आपकी होगी आप इसको फॉलो करती आ रही होंगी बट uh, ये प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करना uh, स्किन केयर के और हेयर करना आप सोचिए तो कहाँ से बाहर से ऑब्वियसली कर रही इक, कुछ

हम लोग ने मार्केट थोड़ो रिसर्च किया सोचा हम लोग जा जा के डिफरेंट फैक्ट्रीज देखते थे आल्सो मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा योर डैड इज अ डॉक्टर लाइक वो आर्मी डॉक्टर है ही इज अ ब्रिगेडियर डॉक्टर हां तो आई आई सोचे उन्होंने अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के ही हैज अ वेरी टफ um schedule right hmm. unhone apne schedule se time nikal ke he मेरे मामू जो हैं ही हेल्प मी सो मच बिकॉज इज ऑलरेडी इन दिस बिजनेस इज वेल्थ तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने में हेल्प किया लेकिन इसमें बताऊँ इसमें ना अपनी रिसर्च बहुत जरूरी होती है क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए आपको पता है कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए तो आप सोचिए मैंने अपने आप को गिनी पेग बना के मैंने कितनी दफ़ा अपने प्रोडक्ट्स अपने आप पे यूज किए कि मुझे अच्छा ये रिजल्ट चाहिए फिर दस पंद्रह दिन मैंने रिलीजियसली अपने प्रोडक्ट को यूज़ किया मुझे उससे रिजल्ट मिला देन आई लाइक ओके गुड ये प्रोडक्ट ये बड़ा मुश्किल काम किया अपने ऊपर भाई मैंने अपने ऊपर ही ट्राई कर कर के है। कभी इधर लगा रही हूं, एक साइड पे एक लगा रही हूं, एक साइड तो आप माशाल्लाह फिर तो ये आपने अपने ब्रांड के लिए तो करना पड़ता है ना तो ब्रांड के नाम के नहीं अभी नहीं रिवील कर सकते हम हम कब भी ये लॉन्च कर रहे हैं ताकि हम हम भी अपना पार्ट प्ले करें ना आपको थोड़ा आ, प्रमोट करने में मैं सोच रही हूँ अच्छा, like सलमान खान की भी बर्थडे <laughs> <laughs> तो 27 दिसंबर को आप ये अपनी स्किन केयर और हेयर केयर की भी लाइन इंशाल्लाह लॉन्च डिजिटली डिजिटली बट लोग ऑनलाइन इंस्टाग्राम से, से खरीदेंगे और फिर उसमें बरकत डाले तो, फिर, तो, उस, उस करें. तो ये इंटरेस्टिंग जो इनसाइट दी कि हमारी प्यारी छोटी बहन स्किन केयर और हेयर केयर कर रही है और फिर वो इंशाल्लाह उसको एक्सपैंड करेगी इनटू मेकअप उसके अलावा आप डिग्री कर रही हैं अपनी यूनिवर्सिटी में उसके अलावा आप एक्टिंग कर रही हैं गाने का आपको शौक है इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट क्रिएट कर रही हैं उम्र आपको अभी कुछ भी नहीं है और आगे आपने ये भी कह दिया कि दुनिया वसी है और आपने ये अभी डिसाइड नहीं किया कि इनमें से एक किस पर्टिकुलर चीज पे आप फोकस करेंगी राइट मतलब ये आई नो जीना ऑनेस्टली आई एम सो हैप्पी दैट आई मेट यू एंड आई एम सो ग्लैड कि हम ये पूरी कॉन्वर्सेशन सब तक पहुंचा रहे हैं because it's so easy के जब आप किसी को देखते हैं, मैं इस लेबल कर देते हैं। यार ये, तो ये पार्टी गर्ल है और मुझे पता है कि आपको बहुत ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है बहुत सारी आपको हेट भी मिली है और नेगेटिव कॉमेंट भी मिले हैं बट ये देखें यार ये हमारे यंग जनरेशन माशाला कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना पॉजिटिवली अपने जो उनको जो पॉपुलैरिटी मिली है या जो फेम मिली है जो रिसोर्सेज उनके पास मिले उसको कितना पॉजिटिवली भी इस्तेमाल करें आई थिंक यू एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आउट सो विश यू ऑल द बेस्ट अभी मेरे जहन में एक और सवाल आ गया जाते जाते कि ये जो ट्रोलिंग होती है और ऑफ कोर्स आप पहले से कर रही हैं पार्टी हो रही है आने से पहले से आपके डेढ़ लाख फॉलोअर्स थे तो जब आपके फॉलोअर्स होंगे तो तारीफें भी होंगी और बुराइयां भी होंगी वो चाहे आपके पंद्रह फॉलोअर्स हों चाहे सोलह लाख हों तो कैसे एंड यू नो एट सच एज ऑब्वियसली इम्प्रेशनेबल भी होता है यू नो यंग तो कैसे आप डील करती आ रही हैं सब चीज़ों से एक चीज जो मैं सोचती हूँ ना वह तज़्ज़ु मंतशा व तुम्तः के इज़्ज़त और जिल्लत उसके हाथ में वो देता है चाहे जिसको भी दे जब भी दे <coughs> अल्लाह ने मेरे नसीब में जो लिखा था मुझे वो मिला आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इसको क्यों मिला क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ये उसके हाथ में उसने देना था तो उसने दिया यू कॉन्ट क्वेश्चन इट और आई आई लाइक टू आई लाइक टू फोकस ऑन द पॉजिटिव क्योंकि जहाँ पे हेट और ट्रॉलिंग है उसके कॉन्ट्रेरी बहुत प्यार भी है तो नेगेटिव साइड को देखने के बजाय व्हाई नॉट लुक एट द पॉजिटिव साइड जो इतना प्यार मिल रहा है उसको क्यों ना देखें hmm. क्योंकि देखिए एक चीज मैंने दिमाग में बिठा ली है कि जब आप पब्लिक फिगर होते हो जब आप लाइमलाइट में होते हो तो पीपल विल से से देच इज हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज लोगों को ये नहीं समझ आती कि वो जो स्क्रीन के पीछे बैठ के टाइप कर रहे हैं जो वो लिख रहे हैं उनके लिए तो वो दो मिनट की जुगत है मज़ा आ गया उनको लिख लिया लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जो लिख रहे हैं वो कोई और वो पढ़ के उस वो थ्रू गुजर रहा है बेशक कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे मुझे मैं अपने आप को बहुत डिसकनेक्टेड रखती हूँ हेट से और मैं अपना टाइम बहुत केयरफुली uh, स्पेंड करती हूँ इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं करती आई डोंट गो थ्रू द कॉमेंट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ स्टफ लेकिन मैं ये सोचती हूँ जिन लोगों को जो लोग देखते हैं जो लोग रिसेप्टिव स्पेशली अब मेरी एज पे लगती है बात दिल पे लगती है अगर आपको कोई और स्पेशली जब कोई वजह ना हो चले मैंने अगर आपको कोई वजह दी मुझे ट्रोल करने की हेट करने की तो ब, बनता है जब कोई वजह ना हो और फिर भी बिला वजह अब जैसे मेरी जब पिक्चर आई इंस्टाग्राम पे कि मैं सिफान का पार्ट हूँ बहुत लोगों ने बैश किया उसको के पर्ची पहले तो मैं कहती हूँ किस चीज़ की पर्ची मतलब

और जब आप देख रहे हो कि कोई अच्छा कर रहा है मतलब जो मैंने पढ़ा है जो आप कह रहे हैं जैसे मैं लोगों को करते हुए सुन कहते हुए सुन रही हूँ कोई अच्छा कर रहा है तो वाई नॉट अगर किसी को मिल रही है ऐसी पोजिशन तो वाई नॉट तो इट्स हार्ड कभी कभी मुश्किल हो जाती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले भी और अभी भी हमेशा से मेरा फैमिली सपोर्ट मेरा सपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत रहा है कि मेरे तक कुछ नेगेटिव आने से पहले ही ना मेरी फैमिली उसको जज्द कर लेती है

मेरा काम क्या है मैंने कैसे किया उनको तो सिर्फ ये पता है कि मेरी एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद मुझे इतना एक mm. बड़ा प्रोजेक्ट में हिस्सा मिल गया और जिसके लिए लोग और मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए लोग जान मार देते हैं लोग कितने साल मेहनत करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में और अलहमद मुझे पहला प्रोजेक्ट इतना अच्छा मिल गया तो आई एक्नॉलेज दैट इट इज़ एन ऑनर इट इज़ अ प्रिवलेज लेकिन तब तक लोगों ने मेरा काम नहीं देखा हुआ था तो उनको पता नहीं था कि डिजर्विंग है नहीं है तो लोगों hmm. ने बोलना शुरू कर दिया कि ये क्यों शी डिज़र्व टू बी देर और इस तरह और उस तरह लेकिन मैंने खुद आप सोचे हसन है, भाई मैंने खुद अपने आंखों के सामने एक दो दिन में होते हुए देखा जो ही मेरा टीज़र आया और फिर अब जो ये एपिसोड आया है इसके बाद वो सारे कॉमेंट्स ऑपोजिट हो गए क्योंकि लोगों ने देखा कि मैंने काम अच्छा किया है जो मतलब जो मैं लोगों को सुन रही हूँ कहते हुए तो उन्होंने कहा कि ओके शी इज़ एक्चुअली डूइंग गुड तो देर इज़ नो हार्म लाइक देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट राइट इफ़ समबडी इज़ डूइंग गुड इतना अच्छा मुझे लग रहा है आपसे बात करते हुए like और things. आपने इतना ये इम्पोर्टेंट uh, मैसेज दिया कि स्पेशली यंग पीपल यू नो जाने दिया करें कभी कभी अब किसी को अगर कोई अपरचुनिटी मिल गई है मैं किसी को उस दिन कह रहा था कि हमारा uh, uh, अलमिया ये है हमारे uh, मुल्क का या हमारे लोगों का कि वो खुद तो चले कुछ करें कुछ ना करें लेकिन अगर कोई और कामयाब हो रहा हो ना तो उसको भी उनको हजम नहीं होता कि उसको भाई कामयाबी मिल क्यों रही है मैं एक चीज जो कहना चाहूंगी ना वो ये है कि हमें बहुत जरूरी है ये चीज सोचना कि हमें दूसरों की खुशी में खुश होना सीखना, सीखना पड़ेगा पड़ेगा पड़े बहुत टॉक्सिक हो जाता है ये कि अगर आप किसी को अच्छा करते हुए देख रहे हो तो आप एकदम से नेगेटिव हो जाओ कि क्यों मैं क्यों नहीं ये क्यों <पति> आप अगले अल्लाह देता है ना अगर आपके नसीब में लिखा होता तो मेरे नसीब का कोई मुझसे नहीं छीन सकता ना मेरे नसीब का मुझे कोई दे सकता है वो ऊपर जो बैठा हुआ वही देगा वही लेगा तो अगर ये सब सोचना शुरू कर दे तो हम सबकी जिंदगी बहुत आसान हो ये, ये, ये उन्नीस बीस साल की बच्ची देखे <स्थ> <laughs> 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 दादी अम्मा करिए अच्छा मुझे ये बताए अब आपकी ये आपको पहले भी आ रही थी

ब्यूटिफुल मेन कैरेक्टर्स आर फीमेल्स और मतलब एक अच्छे कॉज पे बनाए मेरा अपना कैरेक्टर एक हिजाबी सैयद कैरेक्टर है जो एक अच्छा साफ सुथरा कैरेक्टर है कोई उसमें यू नो नथिंग कुछ कोई ग्रे एरिया नहीं है इस कैरेक्टर में तो अलहमदुल्ला दिस इज अरेक्टर विच आई वुड लव टू डू ठीक है जो जिसकी जिसके, जिसके थ्रू मैं सोसाइटी का कुछ भला कर रही हूँ राइट right? अब जैसे सयता सिद्धरा एक रिलीजियस घर से है हिजाबी है अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो हिजाबी लड़कियां हैं वो कहती होंगी कि हम भी अब करेंगे क्योंकि हिजाब समझा जाता है एज अ फॉर्म ऑफ अप्रेशन बुट इट इज नॉट इट्स ऑपोजिट इट्स लिबरेटिंग तो अब मैं ये सोचती हूँ कि दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू डू गुड इन दिस सेंस कि वो हिजाबी जो बच्चियां हैं जो रिलीजियस घरानों की हैं उनके माँ बाप देखेंगे अच्छा ये तो हिजाब के साथ भी इतना कुछ कर रही है

सिंगिंग का आपको बड़ा शौक है बहुत तो ये सिंगिंग को परसू करने के बारे में आपने नहीं सोचा सोचा तो कर रही है मैं एक एल्बम तो खैर अभी गाना गाना आ रहा है काम काम कर रही गाना काम कर रही रही उस मैं लेकिन आसान नहीं है क्योंकि जब आप खुद बना रहे होते ना गाना सुनना आपने सुन लिया बार बार सुनना बहुत अच्छा लगा लेकिन असिन भाई जो बनाने का प्रोसेस है गाने का जो मेलोडी बनाना फिर उसके वोकल्स रिकॉर्ड करना उसको अरेंज करवाना

तो अभी हम कंक्लूड करते हैं लेकिन पहले आप कुछ हमें सुनाएं कुछ अच्छा सा अच्छा सा मुझे क्लासिक्स बहुत पसंद तो है तो सुनाएं क्लासिक अपना फेवरेट कोई <coughs> आज जाने कैसे दना करो आज जाने कैसे दना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जा... माशाल्लाह तालियां भी तालियां बजाएं सब आज बजाय जीना थैंक यू सो so मच uh, मुझे इतना अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि कि आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं आपका ये इंटरव्यू आज उनको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि यू आर मच मोर देन दैट वन सिंगल पोस्ट एंड आई एंड आई होप के लोग ये समझ पाए और देख पाए कि माशाल्लाह uh, कितनी आप वाइज हैं इतनी छोटी उम्र में और कितनी आप के अंदर एक पॉजिटिव uh, एनर्जी है कि आप mm -hmm. जिससे बात करती हैं आप बिल्कुल उसको भी इंस्पायर कर देती हैं आई सर्टनली फील इंस्पायर्ड नो एट सच एज माशा यू अचीव सो मच एंड all मोर सो आई ऑनेस्टली आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑल if ever यू नीड मी i will always be there for you just remember that i think I, I, see. I, I see my little i don't have a sister but i see a little sister in definitely. you and definitely. I, 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 it was such a pleasure meeting you i wish likewise, you all the best likewise. thank you so much thank you much, so much thank, thank you, you for me. having me